हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट समथिंग में। तो गाइस, आज फिर से मैं लेके आया हूँ 30 साइंस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, जो कि रेलवे से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो गाइस, आप इस क्वेश्चंस को रट के ही जाना जब भी पेपर में जाना। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया जीन शब्द का प्रयोग। जीन उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं जीन। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बीडल एव टैटम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमता किस रोग में? नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में, खून का थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का जमने से कौन रोकता है? वो है हिपेरिन नामक प्रोटीन, रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा, मतलब इंग्लिश में जिसे लीवर कहते हैं। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है? वो है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? वो है प्लीहा में होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु, जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? वो है 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह शमशान होता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है रक्त को बैंक में, सुरक्षित ब्लड बैंक में। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह होते हैं कौन कौन से? रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह होते हैं ए बी, ए बी और ओ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की रक्त समूह की खोज। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह मतलब कि ओ है, ये ओ पॉजिटिव वाला इंसान वो सबको खून दे सकता है लेकिन किसी से खून ले नहीं सकता, बस ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव को खून ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य में रक्त की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? वो है रक्त से है। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? उसका आंसर है लैंड स्टेनर एव विनर। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, वो होता है एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, जिसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे। गाइज, यहाँ पर विलियम हार्वे लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। कौन सा है लास्ट क्वेश्चन? यही है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।